नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहले हम चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, जिसे हम हिंदी में आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं। तो देखिए, आवेश स्थानांतरण संकुल क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एवं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तुल्य मात्रा आपस में मिला दी जाती है, तब क्या होता है कि ये दोनों स्पीसीज आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़कर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। दोबारा सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज एवं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज दोनों की तुल्य मात्रा आपस में मिला दी जाती है, तब ये दोनों स्पीसीज आपस में उपसहसंयोजी बंध यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़कर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब देखो, जब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, तब एक स्पीसीज डोनर का काम करेगी और दूसरी स्पीसीज है वो एस शिफ्टर का काम करेगी। तो यहां देखो, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है, वह स्पीसीज डोनर का काम करती है। किसका काम करती है? डोनर यानी दाता का काम करती है। और जो दूसरी स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, वह स्पीसीज एस शिफ्टर यानी ग्राही का कार्य करती है। और ये दोनों स्पीसीज है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाती है, और उस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसी कॉम्प्लेक्स को हम चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, तो ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की परिभाषा हो गई। दोबारा सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एवं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज दोनों की तुल्य मात्रा आपस में मिला दी जाती है, तब ये दोनों स्पीसीज आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स को हम चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखो, ये जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के जो स्पेक्ट्रा हैं, वो सामान्यतः गहरे रंग के होते हैं। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेज के स्पेक्ट्रा सामान्यतः गहरे रंग के होते हैं, गहरे रंग के होते हैं। यानी कहने का अर्थ है
कि यदि हम इन दोनों के अलग अलग स्पेक्ट्रा लें तो उस कंडीशन में जो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे वो अपेक्षाकृत गहरे रंग के नहीं होते हैं। लेकिन जब इन दोनों स्पीशीज को एक साथ मिलाकर फिर स्पेक्ट्रा लिया जाए तो उस कंडीशन में हमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं वो स्पेक्ट्रा है सामान्यतः गहरे रंग के प्राप्त होते हैं। ठीक, तो जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके जो स्पेक्ट्रा है ये स्पेक्ट्रा सामान्यतः गहरे रंग के होते हैं। अब हम देखो एक एग्जांपल के द्वारा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम यहां, एग्जांपल। ठीक, देखो वैसे तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं लेकिन हम यहां एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। हमारे पास में एक स्पीशीज है मेसिटिलीन। कौन सी स्पीशीज है? मेसिटिलीन, जिसे हम 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन कहते हैं। और एक स्पीशीज है वन थ्री ट्राइनाइट्रो बेंजीन। ये दो स्पीशीज है। ठीक, जब इन दोनों की तुल्य मात्रा आपस में मिला देते हैं तो एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसे? देखो देखो यहां क्या होता है कि जब दोनों की तुल्य मात्रा आपस में मिलाई जाती है तो ये जो मेसिटिलीन है यानी 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन है, इसमें देखो बेंजीन वाले से तीन मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि मेथिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होते हैं और ये मेथिल ग्रुप बेंजीन वाले पर प्लस आई प्रभाव डालते हैं। तो मेथिल समूहों के प्लस आई प्रभाव के कारण यहां बेंजीन वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, अर्थात यहां जो बेंजीन की रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती है। तो यहां ये जो स्पीशीज है मेसिटिलीन ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। ठीक, अब देखो यहां ये जो 1,3,5 ट्राइनाइट्रो बेंजीन है, यहां देखो बेंजीन वाले से तीन नाइट्रो समूह जुड़े हुए हैं और ये नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं और ये समूह बेंजीन वाले पर माइनस आई प्रभाव या माइनस एम प्रभाव डालते हैं। तो इन नाइट्रो समूह के माइनस आई प्रभाव के कारण और माइनस एम प्रभाव के कारण इस बेंजीन वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और यहां जो बेंजीन वलय है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। तो ये जो स्पीशीज है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक, अब देखो जैसे इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा तो ये जो स्पीशीज है ये डोनर का काम करेगी और ये स्पीशीज एक्सेप्टर यानी ग्राही का काम करेगी और दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इस तरह से देखो ये मेसिटिलीन है और दूसरी स्पीशीज है ये जिसमें बेंजीन वाले पर तीन नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं 1,3,5 पोजीशन में। अब देखो इन दोनों के बीच में जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बढ़ेगा तो ये तो दाता का काम करेगी और ये ग्राही का काम करेगी तो इस तरह से इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उपसह संयोजी बंध
बन जाता है। तो ये एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बन गया, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से यहां हमने चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल देखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस की। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक यहाँ एंड हो जाता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ मैंने आपको मुख्य दो बातें बताई है, एक तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है, और एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का एक उदाहरण। तो आपको दोनों बातें अच्छी तरह से याद रखनी है। अब हम आज का दूसरा बिंदु लेते हैं, फॉर्मल चार्ज यानी औपचारिक आवेश। औपचारिक आवेश यानी फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, इसको हिंदी में कहते हैं औपचारिक आवेश। तो सबसे पहले हम औपचारिक आवेश की परिभाषा देखते हैं। तो देखो, जब किसी, दोबारा सुनिए, किसी स्पीसीज की, किसी स्पीसीज की लेविस डॉट स्ट्रक्चर, किसी स्पीसीज की लेविस डॉट स्ट्रक्चर में किसी पर्टिकुलर एटम पर जो आवेश पाया जाता है, यानी किसी स्पीसीज की लेविस डॉट स्ट्रक्चर में किसी पर्टिकुलर परमाणु पर जो आवेश पाया जाता है, इसी आवेश को उस पर्टिकुलर परमाणु का फॉर्मल चार्ज, यानी औपचारिक आवेश कहते हैं। इसका मान आइसोलेटेड स्टेट में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एवं कंबाइंड स्टेट में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के
बराबर होता है। तो ये देखो औपचारिक आवेश यानी फॉर्मल चार्ज की परिभाषा होगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि औपचारिक आवेश को परिभाषित करो। तो देखो किसी स्पीसीज की लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी लेविस बिंदु संरचना में किसी पर्टिकुलर परमाणु पर जो आवेश पाया जाता है, इसी आवेश को उस पर्टिकुलर परमाणु का औपचारिक आवेश यानी फॉर्मल चार्ज कहते हैं। इसका मान है वो आइसोलेटेड स्टेट। देखो आइसोलेटेड स्टेट का ये होता है कि परमाणु है उसके साथ में अन्य कोई परमाणु जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस परमाणु को बोलते हैं ये परमाणु आइसोलेटेड स्टेट में, जिसको बोलते हैं मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में, यानी जब परमाणु के साथ में अन्य कोई परमाणु अटैच नहीं है तो हम उसको बोलते हैं आइसोलेटेड स्टेट। तो आइसोलेटेड स्टेट में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं कंबाइंड स्टेट में यानी संयुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के बराबर होता है। यानी कोई स्पीसीज है, उस स्पीसीज में कोई परमाणु है और उस परमाणु पर हम आवेश की मात्रा ज्ञात करना चाहते हैं, तो एक सिंपल सी बात यह होती है कि उस परमाणु की मुक्त अवस्था में यानी जब वो परमाणु अन्य किसी परमाणु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उस कंडीशन में उस परमाणु के पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो निकाल लेते हैं, और उसके बाद में जब वह परमाणु किसी स्पीसीज में अन्य परमाणुओं के साथ अटैच हो गया है तो उस कंडीशन में उस परमाणु के पास में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं यानी इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो यहां जो हमें अंतर प्राप्त होता है वही उस पर्टिकुलर परमाणु का औपचारिक आवेश होता है। ठीक, यानी यह दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी स्पीसीज में हम किसी परमाणु का औपचारिक आवेश देखना चाहते हैं तो हमें दो बातें अच्छी तरह से आनी चाहिए कि उस परमाणु की आइसोलेटेड स्टेट में यानी मुक्त अवस्था में उसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं यानी कितने होते हैं, और अब कंबाइंड स्टेट में संयुक्त अवस्था में उस परमाणु के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आइसोलेटेड स्टेट में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस कंबाइंड स्टेट में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर औपचारिक आवेश। तो इस प्रकार से औपचारिक आवेश है वो किसी परमाणु का आसानी से निकाला जा सकता है। अब देखो किसी स्पीसीज का औपचारिक आवेश है वो क्या होता है कि उस स्पीसीज में उपस्थित समस्त परमाणुओं पर विद्यमान औपचारिक आवेश के योग के बराबर होता है। यानी किसी स्पीसीज के फॉर्मल चार्ज का मान उस स्पीसीज में उपस्थित समस्त परमाणुओं पर विद्यमान फॉर्मल चार्ज के यानी किसी स्पीसीज के फॉर्मल चार्ज का मान उस स्पीसीज में उपस्थित समस्त परमाणुओं पर विद्यमान फॉर्मल चार्ज के योग के बराबर होता है। यानी अपने पास में कोई स्पीसीज है, हम उस स्पीसीज पर औपचारिक आवेश ज्ञात करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्पीसीज का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उस स्पीसीज के अंदर जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं पर एक निश्चित फॉर्मूले के अनुसार औपचारिक आवेश ज्ञात कर लेते हैं, और फिर सभी परमाणुओं के ऊपर जो औपचारिक आवेश है उनको आपस में जोड़ देते हैं तो हमें उस पूरी स्पीसीज का औपचारिक आवेश है वो प्राप्त हो जाता है। तो देखो औपचारिक आवेश का जो मान है वो शून्य आ सकता है,
वो पॉजिटिव आ सकता है, वो नेगेटिव आ सकता है। तो औपचारिक आवेश के मान के आधार पर जो स्पीसीज है ये तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है उदासीन स्पीसीज, उदासीन। एक होती है धनावेशित स्पीसीज, धनावेशित। और एक होती है ऋण आवेशित स्पीसीज, ऋण आवेशित स्पीसीज। यानी औपचारिक आवेश के मान के आधार पर ये जो स्पीसीज है ये तीन प्रकार की होती है, उदासीन, धनावेशित एवं ऋण आवेशित। ठीक, तो ये होगी औपचारिक आवेश की परिभाषा। ठीक, अब हम औपचारिक आवेश का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। यानी औपचारिक आवेश की कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से समझना फॉर्मूला, औपचारिक आवेश निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो औपचारिक आवेश एफसी, जिसको हम शॉर्ट में एफसी कहते हैं, यानी फॉर्मल चार्ज, तो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में किसी पर्टिकुलर परमाणु का औपचारिक आवेश किस प्रकार से निकाला जाता है। देखो, आइसोलेटेड स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट जिसको हम फ्री स्टेट भी कहते हैं, मुक्त अवस्था भी कहते हैं, आइसोलेटेड स्टेट में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी हम जिस परमाणु का फॉर्मल चार्ज ज्ञात करना चाहते हैं उस परमाणु के आइसोलेटेड स्टेट में यानी मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ये हम सबसे पहले निकालते हैं। यानी आइसोलेटेड स्टेट में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस। अब माइनस क्या करेंगे, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी उस परमाणु के पास में कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बनाए गए सहसंयोजी बंधों की संख्या, बनाए गए सहसंयोजी बंधों की संख्या। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम फॉर्मल चार्ज का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां ध्यान देना, आइसोलेटेड स्टेट में यानी मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस क्या कर देंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बनाए गए सहसंयोजी बंधों की संख्या। यहां ध्यान रखना, अगर उप सहसंयोजी बंध है तो भी उसको उसके साथ में काउंट करेंगे, यानी सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी दोनों प्रकार के बंधों को यहां काउंट किया जाता है। ध्यान रखना, तो बनाए गए सहसंयोजी अथवा उप सहसंयोजी बंधों की संख्या और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से इन दोनों को जोड़ देते हैं और यहाँ जो भी जोड़ प्राप्त होती है, जो योग आता है, उस योग को क्या करते हैं हम आइसोलेटेड स्टेट में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसमें से घटा देते हैं। तो हमें यहाँ जो भी मान प्राप्त होता है वो फॉर्मल चार्ज के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला और होता है। देखो ये हम उस फॉर्मल चार्ज को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मल चार्ज बराबर आइसोलेटेड स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की
संख्या, यानी मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस माइनस क्या करना है देखो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां ध्यान रखना ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंद बनाने में भाग नहीं लिया। यहां ध्यान रखना लॉन पेयर्स की संख्या काउंट नहीं करनी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करनी है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम फॉर्मल चार्ज का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों में से हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक ही बात है, फॉर्मल चार्ज का मान सेम आएगा, भले आप इस फॉर्मूले से निकालो भले इस फॉर्मूले से निकालो। तो फॉर्मल चार्ज ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब देखो हम यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं और उदाहरण लेकर के इस फॉर्मूले को समझते हैं। देखो मान लीजिए हमारे पास में एक स्पीसीज है कार्बीन, हम कार्बीन में जो कार्बीन स्पीसीज है इस कार्बीन स्पीसीज पर औपचारिक आवेश ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कार्बीन है इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये होता है इसका, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है इसमें देखो तीन परमाणु है, दो तो हाइड्रोजन है एक कार्बन है। अब हम तीनों परमाणुओं पर क्या करते हैं औपचारिक आवेश ज्ञात करते हैं और फिर तीनों को जोड़ देते हैं, तो इस पूरी स्पीसीज पर हमें औपचारिक आवेश का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो हम इसको एच ए मान लेते हैं, इसको एच बी मान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कार्बन पर औपचारिक आवेश देखते हैं। देखो कार्बन पर औपचारिक आवेश, ठीक, तो देखो कार्बन पर औपचारिक आवेश कितना आएगा। तो देखो औपचारिक आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, आइसोलेटेड स्टेट में संयोजी इलेक्ट्रॉन से, तो कार्बन के पास में जब कार्बन किसी अन्य परमाणु से अटैच नहीं होता है तब इसके पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं चार। कितने होते हैं चार, तो यहां लिखेंगे चार माइनस। अब देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसीलिए इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने दो है, देखो ये रहे, तो दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है माइनस दो माइनस। उसके बाद देखो क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हाफ करना है। तो देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके दो और दो चार, दो ये इस बंद दो इस बंद, तो चार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहां लिखेंगे एक बटा दो गुणा चार। ठीक, तो अब इसको हम सरल करते हैं, देखो क्या आ जाता है चार माइनस दो बराबर क्या आ जाता है, देखो बराबर आ जाता है जीरो। तो देखो यहां कार्बन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो जीरो है, क्या है जीरो है। अब देखो हम दूसरा निकालते हैं हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज देखते हैं। तो देखो यहाँ दोनों हाइड्रोजन पर दोनों एक जैसे, दोनों पर फॉर्मल चार्ज एक जैसा आएगा समान आएगा, तो हम दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं एच ए एवं एच बी पर फॉर्मल चार्ज। ठीक, अब देखो फॉर्मल चार्ज केस कितना आएगा इस पर, तो आइसोलेटेड स्टेट में संयोजी इलेक्ट्रॉन उसी के, देखो हाइड्रोजन के पास में आइसोलेटेड स्टेट में यानी उदासीन अवस्था में यानी मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है एक, कितना होता है एक, तो एक माइनस। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसी के, तो किसी के पास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसी के हो जाएगी जीरो माइनस। अब देखो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं दो हो जाते हैं, तो दो हाफ गुणा दो। अब इसको सरल कर देते हैं तो एक माइनस जीरो
माइनस ए, तो यहां क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ इन दोनों हाइड्रोजन परमाणु पर औपचारिक आवेश जीरो होता है और कार्बन पर जीरो होता है, तो इस पूरी स्पीसीज में औपचारिक आवेश निकालना चाहे तो हम इन सभी को आपस में जोड़ देते हैं, तो देखो जीरो जोड़े जीरो आएंगे, तो इसका अर्थ ये हो गया यहाँ इस स्पीसीज के ऊपर जो औपचारिक आवेश है वो जीरो है, अर्थात ये स्पीसीज है वो न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, यानी कार्बिन है वो एक उदासीन स्पीसीज है। कैसी स्पीसीज है, उदासीन स्पीसीज है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि फॉर्मल चार्ज के मान के आधार पर स्पीसीज है वो तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रल, धनावेशित एवं ऋणावेशित। तो इस प्रकार से किसी भी स्पीसीज के लिए फॉर्मल चार्ज का मान है वो इन फॉर्मुलों के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप असाइनमेंट के रूप में एक क्वेश्चन नोट कीजिए, तो क्वेश्चन लिखिए निम्न स्पीसीज पर औपचारिक आवेश ज्ञात कीजिए, निम्न स्पीसीज पर औपचारिक आवेश ज्ञात कीजिए। इसमें पहला लिखिए ओजोन, दूसरा लिखिए कार्बोनेट आयन, तीसरा लिखिए अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। तो इन तीनों स्पीसीज पर आपको औपचारिक आवेश ज्ञात करना है। पहले आप इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लेना, फिर इनमें जितने भी परमाणु सभी परमाणुओं पर अलग अलग औपचारिक आवेश ज्ञात करना, फिर सबको जोड़ देना, तो आपको पूरी स्पीसीज पर औपचारिक आवेश प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।